अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वो आठ ऐसे कौन से ड्रिंक्स हैं जिनको पीकर आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन टी। ग्रीन टी वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव समझी जाती है क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी फास्ट कर देते हैं और आपकी फैट्स की ब्रेकडाउन को भी एक्टिव कर देते हैं। तो ग्रीन टी में पाए जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है कैटेकिन, जो कि फैट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब कहा जाता है कि किसी ग्रीन टी में जितने ज़्यादा कैटेकिन पाए जाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा वेट लॉस में फ़ायदेमंद होगी। अब ऐसी कौन सी ग्रीन टी है जिसके अंदर आपको कैटेकिन ज़्यादा मिल सकते हैं? इस ग्रीन टी का नाम है मैचा, जो कि आपको ईजिली पाकिस्तान में भी मिल जाएगी। इसके अंदर कैटेकिन की क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये ग्रीन टी वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा ग्रीन टी में कैटेकिन के अलावा कैफीन भी पाई जाती है। ये वही कैफीन जो कॉफ़ी में भी पाई जाती है, ग्रीन टी में भी मौजूद होती है। तो कैफीन का काम यह होता है कि ये भी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है और फैट बर्न में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। दूसरे नंबर पर जो ड्रिंक है हमारे पास वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, बॉडी के प्रोसेसेस को फास्ट कर देती है जिससे आपकी फैट बर्निंग भी एक्टिव हो जाती है। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ड्रिंक है वो है ब्लैक टी। जी वही ब्लैक टी जो हम पाकिस्तानी बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन बगैर दूध के पीनी है, ठीक है? यानी कि मिल्क टी नहीं, सिर्फ ब्लैक टी, आपने उसका कावा पीना है। अब ब्लैक टी में ऐसे पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। अब फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या है? ये आपके कैलोरी इनटेक को बहुत कम कर देते हैं, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपके फैट ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके गट में फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, लोअर बॉडी फैट और आपके बेली फैट में कमी आ जाती है। चौथे नंबर पर जो ड्रिंक है हमारे पास उसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि सुबह उठते साथ ही नहर मुँह एप्पल साइडर विनेगर की दो चमचे पानी में मिक्स करके पी लिया करें। तो एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके बेली में और आपके लिवर में फैट को इकट्ठा नहीं होने देता, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप इसको अगर डेली पियेंगे जो आपके बॉडी के ऊपर तो कोई ख़राब असर नहीं करेगा, लेकिन आपके दांतों के ऊपर असर करेगा, आपके दांतों को एडॉप्ट कर देगा, उनको ख़राब कर देगा। एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो देख लें जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है जिंजर टी, यानी अदरक वाली चाय दूध के बगैर। तो अदरक वाली चाय भी आपकी भूख को कम कर देती है और आपको दिन में काफ़ी लंबे टाइम तक भूख फील नहीं होती। तो इसको आपने कैसे बनाना है? आपने इसको 2 ग्राम जिंजर पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करके अपने नाश्ते के साथ पीना है। डेली बेसिस पर पियेंगे तो आपको इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट शो होंगे। चौथे नंबर पर आ जाती है हाई प्रोटीन ड्रिंक्स। हाई प्रोटीन ड्रिंक्स आपके वेट लॉस में कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं? ये एक कम्प्लीट मील होता है। आप अपने दिन के किसी एक मील को प्रोटीन ड्रिंक या प्रोटीन शेक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोटीन ड्रिंक्स के साथ या प्रोटीन शेक के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी अगर आप अपनी डाइट में अपना कोई मील स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप प्रोटीन ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं। सातवें नंबर पे है हमारे पास वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस आप अपनी किसी लो कैलोरी डाइट के साथ ले सकते हैं क्योंकि लो कैलोरी डाइट में आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही होती, तो उसको पूरा करने के लिए आपको वेजिटेबल का जूस पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेजिटेबल जूस को आपको हमेशा किसी लो कैलोरी डाइट के साथ ही यूज़ करना चाहिए। आठवें नंबर पे हमारे पास वाटर, यानी कि पानी। अब पानी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकेगी, उसके बॉडी के प्रोसेसेस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो बेहतर तरीके से चल पाएंगे, और इसके अलावा फैट लॉस में भी पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ पानी आपकी भूख भी काफ़ी हद तक मिटा देता है। तो ये थे वो 8 ड्रिंक्स जो वेट लॉस में काफ़ी करामत साबित होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।